welcome to my channel Science Tutorials. No matter you belong to any of the boards, CBSE board, ICSE board or any other state board, you can refer to my channel Science Tutorials. वीडियो को एंड तक देखिए और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, तो रूल नंबर 1 पढ़ाएंगे हम अब. ठीक है, रूल 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन x रेस टू द पावर n dx, जिसमें ये हमारा ये xn जो है वो f x है. जैसे कि हमने आपको पिछले अभी वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f x dx हमारा जो है इंटीग्रेशन का जनरल एक्सप्रेशन होता है. तो इस जनरल एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जिसे हम पावर रूल कहते हैं. ये पावर रूल है एक्स एन, जो भी यहाँ पे पावर लिखी होगी यहाँ पे उस पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वो जो पूरा का पूरा टर्म है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा. ठीक, तो दिस इज पावर रूल. इसको डब्बे में बंद करो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ऐसे ही याद कर लेना. वेयर एन जो है वो कभी भी माइनस 1 नहीं होगा. क्यों माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ रख के देख सकते हैं. अगर हम x की पावर माइनस 1 रख देंगे dx इज इक्वल्स टू यहाँ भी माइनस 1 रख देंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1. तो माइनस 1 प्लस 1 तो x की पावर 0 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा. और हमें पता है कि 1 बाई 0 जो है वो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइन होता है, तो ये गलत हो गया. ठीक, तो हमारा यहाँ पे जो पावर रूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर हम एन की पावर एन जो है वो माइनस 1 रख देंगे. इसलिए पावर रूल सिर्फ उस तभी के लिए होता है जब एन माइनस 1 ना हो. इसलिए एन की पावर माइनस 1 पे पावर रूल नहीं एग्जिस्ट करेगा और इसे नहीं लिखना है. तो अब एन माइनस 1 हो गया, तो अब इसके आगे हम बढ़े. अगर एन की पावर एन जो है वो 0 रख दे पूरी एक्सप्रेशन में हमारी जो अभी हमने पावर रूल में देखी, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन की जगह 0 रख रहे हैं तो 0 dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 0. एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, सभी को पता है. स्मॉल क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि एक्स की पावर 0, ए की पावर 0, कुछ ही किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 आ जाता है. तो इसी तरह से एक्स की पावर 0 है तो वो 1 आ जाएगी. 0 है यहां हमने 0 पुट किया तो एक्स 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी. तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 मतलब कुछ नहीं अपॉन 1 मतलब कुछ नहीं, है ना. 1 को तो लिखते नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहां से हम हटा सकते हैं क्योंकि 1 लिखो चाहे ना लिखो उसका कोई मीनिंग नहीं होता. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा हमारा, x प्लस सी. तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया है जिसे हम लोग एज इट इज नोट कर सकते हैं क्योंकि आगे ये सब क्वेश्चंस में बहुत यूज होएगा. तो अब मैं कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि e रेस टू द पावर x dx. इसका क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x dx इसका क्या होता है, ये एज इट इज सिर्फ e रेस टू द पावर x प्लस c. इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम कितनी बार भी करें e रेस टू द पावर x ही आता है, वो चेंज नहीं होता. ठीक है, ऐसे ही ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक इंटीग्रेशन का, इसको भी एज इट इज याद कर लेना. ये सब जितने भी बॉक्स में बनाए जा रहे हैं इनका यूज आगे क्वेश्चंस में होगा, तो इसलिए इनको एज इट इज जो है याद रखना है, टिप्स पे याद होने चाहिए सारे. नेक्स्ट, अगर ए रेस टू द पावर एक्स है डीएक्स है तो उसका क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखिए. यहाँ पे ई रेस टू द पावर एक्स है जबकि यहाँ पे ए रेस टू द पावर एक्स है, तो ए रेस टू द पावर एक्स का आएगा ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन ये एज इट इज यहाँ पे आएगा जबकि डिनोमिनेटर में लॉग, और यहाँ पे जो सिर्फ फंक्शन में पूरा है तो ये पूरा फंक्शन एफ एक्स है जो कि हमने जनरल एक्सप्रेशन में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है उसमें पूरा एक्सप्रेशन है, बस इसका सिर्फ ए वो लॉग के साथ यहाँ पे नीचे आ जाता है. ठीक है, तो इसको नहीं लिख के लॉग ए प्लस सी. सी हमारा जो है वो हर जगह चलता रहता है, बिना इसको लगाए एक्सप्रेशन सही नहीं मानी जाती है. तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. एक स्टैंडर्ड फॉर्म और हम बता देते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डीएक्स.
अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना कि एन की पावर माइनस वन नहीं रखते, क्योंकि अगर हमने एन की पावर माइनस वन रखी इंटीग्रेशन तो वो वन बाई एक्स हो जाएगा, और वो जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था पावर रूल से, इसका आंसर अनडिफाइन आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो ये गलत हो रहा था पावर रूल से, सॉल्व नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वन बाई एक्स, तो अब अगला पार्ट जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताए मैंने कुछ, जैसे कि 1 बाई एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रल, सारे स्टैंडर्ड ही थे। अब उसमें और इसमें मैंने इसको रूल नंबर 2 बना के इसलिए लिख दिया है ताकि थोड़ा अलग अलग होता रहे और आपको भी डिफरेंस का डिफरेंशिएट करने में थोड़ा आराम रहे, आसानी रहे, ठीक है। तो इन ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, वो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हैं, मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटेन होते हैं, हो गए हैं। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ नहीं था, सिर्फ वेरिएबल्स थे, फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस थे। यहाँ भी ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, यहाँ पे पूरा एफ एक्स है, ये पूरा एफ एक्स टी एक्स एफ एक्स है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और लेकिन जो उसमें जो मैंने बताया था वो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं थे, ठीक है। देख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टैन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का होता है sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x का होता है माइनस cos x प्लस c, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको टिप्स पे पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस पे जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और मैं भी जल्दी से करवा पाऊंगी। तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, इनकेस अगर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये सबकी बुक में लिखे हुए हैं, छो के छो जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, तो वहां से कॉपी डाउन कर लो, नो प्रॉब्लम। और कोई भी डाउट हो अभी तक की वीडियो में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आस्क करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी तक मैंने आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं, पावर रूल बता दिया है, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बता दिए हैं, कि इंटीग्रेशन की जनरल एक्सप्रेशन बता दी है, इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस की, नहीं तो फिर अगर कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा इतने अच्छे से जो पढ़ाया अभी तक, और बोर भी हो जाओगे आप सब, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, पहले बेसिक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 डी एक्स, ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसे लिख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन जी एक्स हमने पढ़ा था, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। सी गाइस, हमें करना है अब इंटीग्रेशन, हम कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन और डी एक्स तो हट ही जाएंगे, ये पता ही है। हमने एक्स को ऐसे ही लिखा, फाइव एन है, चूंकि हमारा यहाँ पे एन क्या है, फाइव है, और एफ एक्स क्या है, एक्स है, ये एक एफ एक्स है और ये पावर है एन है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारी पावर में वन ऐड हो जाता है, पूरी के पूरा टर्म नीचे एज इट इज उतर जाता है। तो हम क्या करेंगे, फाइव में वन ऐड करेंगे और पूरा फाइव प्लस वन एज इट इज नीचे लिख लेंगे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, ठीक है, प्लस सी, ठीक। तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स प्लस सी, बस सॉल्व हो गया हमारा, ये आंसर आ गया, बस सो सिंपल, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स रेज टू द पावर 99 डीएक्स। अभी तक हमने छोटी सी स्मॉल पावर लिया था, एक्स रेज टू पावर 5 स्मॉल पावर लिया था, अब हम खूब एक बड़ी सी पावर ले लेते हैं, खूब 99 ले लीजिए हमने, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट ही चलेगा कि एक्स रेज टू द पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1 एज इट इज नीचे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस सी, हमेशा प्लस सी लगाना मत भूलना, ठीक है। ये आ गया आंसर, हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से पावर रूल के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से तो बहुत ही सिंपल थे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 7 डी एक्स। अब अगर पावर डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे,
से अगर पावर डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, क्योंकि पावर रूल हमने जो लगा है वो हमारा न्यूमरेटर के लिए लगा है, डिनोमिनेटर में इसके लिए मान लिया वन ही है तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब वन है तो हमारा पावर रूल किसके लिए लगा, न्यूमरेटर के लिए लगा, तो हमें इसे भी न्यूमरेटर में ही बना लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और इंटीग्रेशन एक्स रेस टू द पावर माइनस सेवन डीएक्स, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब आप देखो ही नहीं कि आपका क्वेश्चन ये था, क्योंकि x की पावर ऊपर गई, किसी भी चीज की पावर ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है ना, तो आप देखो ही नहीं अब आपका ये क्वेश्चन है, अब देखो कि आपका क्वेश्चन ये था, हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, x की पावर माइनस सेवन में हम वन ऐड करेंगे और वही पूरे चीज उठा के नीचे लिख लेंगे प्लस सी, तो अब क्या हो गया माइनस प्लस माइनस ये हो गया एक्स रेस टू द पावर माइनस सिक्स अपॉन माइनस सिक्स प्लस सी, वेरी सिंपल, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई एक्स की पावर 7 बाई टू, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है पावर में तो फिर वही काम करो गाइस, क्वेश्चन को ही चेंज कर लो, सोचो ही नहीं कि ये क्वेश्चन है, अब सोचो इसको न्यूमरेटर में ले जाके सोचो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और हमने पावर न्यूमरेटर में पढ़ा है तो अब इसको न्यूमरेटर बनाओ, एक्स की पावर माइनस सेवन बाई टू डी एक्स। अब आपका ये क्वेश्चन चेंज हो गया और क्वेश्चन क्या बन गया ये, अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो कैसे सॉल्व होगा, फिर से वही माइनस सेवन बाई टू है, अब देखो मतलब पावर फ्रैक्शन में, अब क्या होगा, नहीं वही होगा प्लस वन अपॉन माइनस सेवन बाई टू प्लस वन, फिर इसे सॉल्व कर लो, टू माइनस सेवन प्लस टू इस माइनस फाइव, तो एक्स की पावर माइनस फाइव बाई टू अपॉन नीचे भी माइनस फाइव बाई टू, ये ऊपर चला जाएगा तो टू बाई फाइव एक्स रेस टू पावर माइनस फाइव बाई, ये आपका आंसर आ गया, तो वेरी सिंपल, ये भी हो गया आपके क्वेश्चंस दोनों। कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, अब कुछ बच्चे वो नॉर्मल क्वेश्चंस तो कर लेंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम होगी कि अरे इसमें तो रूट दिया है, इसमें तो रूट नीचे आ गया और बड़ा हो गया, इसमें तो क्यूब रूट हो गया, इसमें क्यूब रूट नीचे हो गया, अब कैसे होगा, है ना, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, देख लेते हैं। तो फिर से यही करोगा इसकी, उसका जो है क्वेश्चन ही चेंज कर लो, इसको आप देखो ही नहीं कि रूट दिया है, इसको देखो आपके t की पावर 1 बाई टू दिया है, dx दिया है, अब तो हो गया, अब तो बन गया ना आपका x की पावर n वाला फॉर्मेट, अब बस वही करो t की पावर 1 बाई टू प्लस 1 करो अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 करो, t की पावर आपका 2 3 बाई टू आ जाएगा अपॉन 3 बाई टू नीचे भी आ जाएगा जो कि 2 बाई थ्री लिखा जाएगा प्लस सी प्लस सी, सब में चली रहा है, हो गई आपकी क्वेश्चन सॉल्व, ये भी बहुत सिंपल था, अब इसे देख लो, ये भी बहुत सिंपल है, फिर आप इसका क्वेश्चन चेंज कर दो, इंटीग्रेशन लगाओ, सोचो ही नहीं कि ये क्वेश्चन है, टी ऊपर चला गया माइनस वन बाई टू हो गया बस डीएक्स, अब ये क्वेश्चन हो गया, अब जैसे प्लस वन बाई टू में प्लस वन ऐड किया था ऐसे टी माइनस वन बाई टू में प्लस वन ऐड कर दो, माइनस वन बाई टू में प्लस वन ऐड कर दो और ये सॉल्व कर लो, टू वन बाई टू अपॉन वन बाई टू टू, ये हो गया टू टी की पावर वन बाई टू, है ना, जिसको हम टू रूट टी भी लिख सकते हैं प्लस सी, सब में चलता जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से देख लो, इसका आंसर टू रूट टी आएगा बस, ठीक है, प्लस सी साथ में चलता रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, अब ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, डीएक्स लगा दो, डीएक्स नहीं लगा इसमें। ठीक है, अब देखो ये बहुत इजी है, भी बहुत इजी है इंटीग्रेशन, इसको एक्स की होल द रेस टू द पावर वन बाई थ्री पढ़ो, अब तो हो गया ना ये क्वेश्चन सॉल्व, बस इसको भी ऐसे ही करो कि वन बाई एक्स का होल पावर वन बाई थ्री और फिर उसके बाद ये पावर ऊपर चली जाएगी, एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री डीएक्स, अब तो बन गया हमारा फंक्शन, अब तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और इसमें भी अब ये क्वेश्चन हमारा चेंज होके ये हो गया, इसे भी हम पहले कर चुके हैं, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, हो गए पावर रूल के सारे क्वेश्चंस। अब आप अपनी बुक से एम एल अग्रवाल लगाओ, एस चांद लगाओ, आर डी शर्मा लगाओ, एनसीईआरटीज लगाओ, और भी जो आपके स्टेट लेवल में चलती हैं सारी, कोई भी बुक्स लगाओ, उठाओ पावर रूल के क्वेश्चंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछो, हम जरूर उसको सॉल्व करवाएंगे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में कुछ गेस करो गाइस, क्या कर सकते हैं,
कोई भी क्वेश्चन हुआ करें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोचा करो कि उसमें क्या कर सकते हैं, ये नहीं कि सीधा आपने सोल्यूशन देख लिया, फिर अगर आप सारे सोल्यूशन ऐसे देखते जाओगे तो कैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना। और जो भी वीडियो देखो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो, चाहे किसी भी बुक से सॉल्व करो, बट सॉल्व करो ठीक है, उसी टॉपिक से करो, ये नहीं कि उसके आगे वाले टॉपिक से कर रहे हो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये समझ में आ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ठीक है। 9th-10th में हमने ये पढ़ लिया था, देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 होता है, ये 9th-10th में हमें पढ़ा दिया गया था, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा सिंपल। तो साइन एक्स अपॉन, ये तो इजिली कॉस स्क्वायर एक्स आ गया डीएक्स, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर में पूरा कॉस स्क्वायर एक्स ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये साइन एक्स बन जाएगा ऐसे ही। और फिर थोड़ा सोचा करो गाइस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अगर ऊपर गया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा, ये हम रफ में सोच रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें आए हैं, तो उसमें क्या कोई फॉर्मूले में कोई ऐसा दिख रहा था, किसी में भी ऐसा फॉर्मेट दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। तो फिर अगर हम ये बनाएंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, लग ही नहीं पाएगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम इसे हटा देते हैं, कुछ और सोचने पर वर्क करते हैं। तो हम क्या सोच सकते हैं, तो हाँ अब हम बता दें क्या सोच सकते हो, आप लोग पता नहीं सोच पा रहे हो कि नहीं, पर अब सोच लोगे। जैसे साइन एक्स है अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर हम इस दोनों कॉस को अलग कर लें इस तरह से, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर कॉस की पावर 2x हो जाएगी, तो वापस हमें ये मिल रहा है। कोई भी चीज अगर नहीं किया करो तो देख लिया करो वापस ये चीज हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यानी कि कुछ भी कर दिया और फिर उससे ये नहीं बन रहा, इससे वो नहीं बन रहा, सब गलत हो गया, ऐसे नहीं, ठीक। तो हमने इस कॉस स्क्वायर एक्स को अलग करके देख लिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब हमने देखा कि साइन बाई कॉस हमें टैन दिख रहा है ना, तो हम ये करके देख लेते हैं एक बार कि शायद हो सकता है इससे हो जाए। तो हमने किया, ये हमारा tan x हो गया और ये 1 by cos x हो गया, 1 by cos x ऊपर जाएगा तो पता, 1 by cos x क्या होता है, ये हमें पता ही है, सबको पता है 1 by cos x क्या होता है, sec x, ठीक है। और sin by cos क्या होता है, sin x upon cos x। थोड़ा टेढ़ा जा रहा होगा गाइस, पर ये अंडरस्टूड है, आपको बचपन में पढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका हमने यहाँ पे यूज किया, 1 by cos क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ठीक। तुमने इस क्वेश्चन को, या ये क्वेश्चन था, हमने इसको चेंज करते करते यहाँ ले आए। अब याद करो कि sec x tan x dx तो हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ पढ़ा था, इन सारे फॉर्मुलोज में पढ़ा हुआ था, ठीक है। sec x tan x क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, तो सिर्फ sec x आ जाएगा प्लस c, तो ये सॉल्व होकर आ गया। तो जितना मैंने आज पढ़ाया था उसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं। ये क्वेश्चन है, बस हम इसे और करा देते हैं, चूंकि इसे कराने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना गाइस, ठीक है। हम इसे रब कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करा पाए, तो इस क्वेश्चन को ही रब कर देते हैं ना पूरा, आराम से फैल के सॉल्व होएगा। सी 1 minus 2 sin square x by 2, ठीक है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा हमारा फंक्शन है, एफएक्स है, ठीक। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2x cos square x minus sin square x होता है, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला पड़ा था कॉस 2x का कि 1 minus 2 sin square x होता है। तीसरा फॉर्मूला पड़ा था कॉस 2x का 2 cos square x minus 1 होता है। तो ये जो है इससे मैच खा रहा है, ठीक है। अभी देखो ये फॉर्मूले, अब आप कहोगे कि आपने कहाँ पढ़े थे, तो अभी एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है,
उसमें आपने सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपको ये सारे फॉर्मूले जरूर पढ़ा दूंगी, और अगर पढ़े हैं तो भी ठीक है, यहाँ से देख लो, नहीं पढ़े हैं तो भी, तो मैंने लिख ही दिए हैं वैसे भी, जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला जो है इससे मैच खा रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, थीटा में, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे एक्स बाई टू लिखा है, बेसिकली बात ये है कि ये हमारा पूरा क्या है, थीटा है, मीन्स एंगल, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा थीटा है फॉर्मूले में, ठीक, यहाँ पे थीटा है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो दोनों में फर्क क्या है, कि यहाँ पे तो थीटा लिखा हुआ है, पर यहाँ जो है वो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये थीटा बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर हम एक तरीके से और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कि ये जो है थीटा लिखा हुआ है, अगर हम इसको थीटा माने तो ये हमारा जो है वो टू थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये जैसे इसका हाफ लिखा हुआ है, थीटा बाई टू लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें भी इसमें भी हाफ कर दें, इसमें एंगल हाफ है तो इसमें भी एंगल हाफ कर देते हैं, इसमें x बाई टू है, इसमें अगर हम x बाई टू करें तो हमें यहाँ भी बाई टू करना पड़ेगा, तो बाई टू करने से क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पे हमारा x बाई टू दिया हुआ है थीटा की जगह पे, यहाँ पे x दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉर्मूले को चेंज करके यहाँ पे इक्वल टू के इधर को चेंज कर रहे हो तो वही चेंज आप इक्वल टू के इधर भी करो, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने थीटा में चेंज किया तो यहाँ भी थीटा में ही चेंज करो, यहाँ हाफ कर दिया है ना आपने थीटा, तो यहाँ भी हाफ कर दो, ठीक है। तो होगा क्या, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x बाई टू। अब तो हमारी ये पूरी चीज इससे मैच खा रही है ना, अब तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन ये बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बन गया ना, और हमने पढ़ा था cos x dx, फिर से पढ़ा था, ये हमारे फॉर्मूले जो सामने लिखे हुए हैं इनमें पढ़ा था ना कि cos x क्या होता है, sin x होता है, प्लस c, आ गया आंसर। बस बात है फॉर्मूलाज की, अगर आपको फॉर्मूलाज टिप पे याद हैं, ठीक है, सिर्फ टिप पे पत याद किया, मैथ्स में कोई चीज याद करने वाली तो नहीं होती, पर करते करते प्रैक्टिस हो जाती है कि वो टिप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ टिप्स पे आना ही जरूरी नहीं है, वो फॉर्मूला आपको जहां यूज करना है वहां पे स्ट्राइक भी करना चाहिए, और स्ट्राइक कैसे करेगा गाइस, सिर्फ वीडियो देखने से स्ट्राइक नहीं करेगा, हाँ वीडियो देखने से आपका सारा पोर्शन जरूर कवर हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इससे फॉर्मूला ना आना तो सबसे बड़ी गलती है, और फॉर्मूला आना, टिप्स पे पता होना, पर आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो ना स्ट्राइक कर पाना कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करने से ही आ सकता है, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आपको स्ट्राइक करेगा, और प्रैक्टिस कैसे होगी, वीडियोस के सारे क्वेश्चंस लगाओ, और भी दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाओ, नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो।